आज मैं आपके लिए एक प्लांट नर्सरी से लेकर आई हूँ और ये नर्सरी वाले ने मुझे इसका नाम लैला मजनू बताया है, जो कि सुनने में बहुत ही अटपटा सा है लेकिन अच्छा है। आज इसी के नाम से बहुत सारे नर्सरी वाले बहुत सारे प्लांट्स बेच रहे हैं। वो उनका नाम लैला मजनू बताते हैं और वो सेल कर देते हैं। लोग उसका नाम सुनकर ही ये प्लांट अपने घर में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके पत्ते इतने सुंदर हैं, ये देखिए, ये ऊपर से ग्रीन कलर के और नीचे से डार्क मरून कलर के, दो तरह के इसके पत्ते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखाई देते हैं। एक इंडोर प्लांट है जो कि घर के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन अगर हम इसको अगर कहीं बाहर धूप में या तेज़ धूप में रख देंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और झड़ जाएंगी, लेकिन हमको इसको अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। फ्रेंड्स, इसको एक्सकोरिया नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये झाड़ी जैसा प्लांट होता है और इसकी हमको कांट छांट करनी ज़रूरी होती है। अगर हम इसकी कांट छांट नहीं करेंगे तो ये कम से कम 5 फुट तक ये लंबा चला जाता है, लेकिन ये इतना लंबा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमको इसकी कटिंग ज़रूरी है। इसकी कटिंग के बारे में, वैसे हमको इसकी कटिंग जनवरी या फेब में करनी चाहिए, क्योंकि तब इसकी कटिंग की जब करते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलने लग पड़ता है। गर्मी में इसकी काट छांट हमको थोड़ी कम ही करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी इसकी वेल प्रोपोगेशन के बारे में। अगर हम बताएं तो इसको नॉर्मल सॉइल में भी ये चल जाता है, और अगर हम सॉइल में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या काउडंग भी यूज़ कर लें तो ये अच्छा चल जाएगा। फिर इसकी थोड़ी, जैसे कहें कि ये पत्तियाँ वगैरह काफ़ी ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर की आपको नज़र आएंगी। इसकी अगर हम मिट्टी सॉइल में अगर हम थोड़ा सा अगर कोकोपीट भी डालें तो अच्छा होगा, थोड़ी सी मिट्टी भी लाइट वेट हो जाती है। और आप कहें तो ज़्यादातर लोग टेरेस पर ही गार्डनिंग करते हैं अपनी, जो फिर थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो हल्की रहती है और ज़्यादा आपके टेरेस पर वेट भी नहीं आता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसको लगाकर बताती हूँ। ये देखिए, इसमें पहले से ही मैंने कुछ कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं जो कि पॉट में नीचे रखना बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने इसकी मिट्टी भी पहले से ही बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गार्डन सॉइल में भी ये जल जाता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स किया हुआ है, जिससे ये थोड़ा सा लगाने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो इसको आराम से काटें, तो कहीं उसकी जड़ें ज़्यादा इसमें से निकालते हुए कट ना जाएं। लेकिन चलो, एक आधी जड़ निकल भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। लगाते हुए ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा लें ताकि थोड़ा सा इसकी जो जड़ें हैं उनको थोड़ी सी हवा लग के वो हमारे गमले में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो
फ्रेंड्स इसकी जो ये साइड से निकल रही हैं कीड़े, जो डालियाँ निकल रही हैं, इसको हम अगर काट कर एक्स्ट्रा और इसका प्लांट बनाना चाहें तो ये बन सकता है, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। यहाँ से हम इसको कट करके एक्स्ट्रा और इसके पौधे हम बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी इसको काटने वाली नहीं हूँ, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया था। अभी हम इसको लगाते हैं। फ्रेंड्स अब मैंने ये प्लांट लगा दिया है। हाँ, इसमें एक बात बतानी मैं आपको ज़रूर चाहूँगी कि इसकी मिट्टी को हर टाइम नमी की ज़रूरत होती है, इसकी मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम महीने में एक बार आप इसमें अगर थोड़ी सी एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो ये पौधा अच्छे से और अच्छे से चलेगा, और इसके पत्ते जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो आपको और खूबसूरत नज़र आएंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूँगी। बाय।